आरडी सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल का वार्षिक उत्सव मनाया गया। अनेकता में एकता की पहचान देने वाले हमारे देश में विविधता के कई रंग देखने को मिलते हैं। अलग अलग राज्यों की अलग अलग संस्कृति देश की अखंडता और एकता को सजोए रखने का काम करती है। कुछ ऐसा माहौल स्कूली छात्रों ने अपनी प्रतिभा से कर दिखाया, जिसमें लोगों के दिलों में अपनी एक खास जगह बनाने का काम किया। दरअसल मौका था दिल्ली के कृष्ण विहार स्थित आरडी सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का। 25 मार्च को स्कूल अपना वार्षिकोत्सव मना रहा है, जिसमें आरडी सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल के चेयरमैन जय किशन मुख्य रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान स्कूली छात्रों ने नृत्य पेश कर अलग अलग राज्यों की संस्कृति का नजारा पेश किया। साथ ही इस दौरान एक नाट्य प्रस्तुति के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक संदेश देने का प्रयास किया। इस कार्यक्रम के माध्यम से मुक्त वक्ताओं ने बच्चों और अभिभावकों को गुड टच और बैड टच के बारे में समझाने का प्रयास किया। साथ ही वक्ताओं ने कहा कि बच्चों को इसी मंच से जागरूकता करने की जरूरत है, जिससे बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों में कमी आएगी। इस मौके पर बोलते हुए स्कूल के चेयरमैन जय किशन ने कहा कि आज जहां एक ओर देश में विभिन्न धर्म और समुदाय के नाम पर राजनीति देखने को मिल रही है, इसके विपरीत स्कूल के बच्चों को इसी उम्र में विभिन्न संस्कृति की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, ताकि हमारे देश में विविधता में एकता की पहचान बरकरार रह सके। इस साल इस तरह भी बच्चों को अपनी प्रतिभा ने सभी का मन मोह लिया। देश के हर राज्य से जुड़े लोक नृत्य की प्रस्तुति कर कार्यक्रम मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। बच्चों ने अपने हुनर के साथ स्थल पर बैठे लोगों की जमकर तारीफ बटोरी। भारत भूषण, दिल्ली, समाचार 24। तरीके से इसको रोका जा सकता है, क्या चुनाव देखिए, बीइंग पार्ट ऑफ लीगल सिस्टम, मुझे पता है कि जो क्राइम रेट चलन है वो रैपिडली इंक्रीज हो रहा है हमारी कंट्री के अंदर, और इसका मेन रीजन यही है पॉवर्टी, इलिटरेसी और बच्चों में जो है इनएविडेंसी जो है, इसके कारण ही जो बेसिकली क्राइम बढ़ रहा है। बच्चे इजी टारगेट होते हैं क्योंकि वल्नरेबल होते हैं, इजिली इंड्यूस हो जाते हैं बच्चे जो है, इसलिए जो है ये क्राइम मोस्टली जो है रिलेटिव्स के द्वारा या उनके फ्रेंड सर्कल के द्वारा या आस पड़ोस के जो उनके नोन है उन्हीं के द्वारा ये कमिट होता है, और ये क्राइम बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ये क्राइम कई बार रिपोर्ट भी नहीं होता है, क्योंकि ये क्राइम जो कमिट हुआ होता है बेसिकली उनके रिलेटिव्स के द्वारा ही कमिट हुआ होता है, तो कई बार जो है पेरेंट्स जो है उसके अपनी ऑनर ऑफ द फैमिली के लिए जो है उनको रिपोर्ट नहीं करते हैं। और इसको रोकने का बेसिकली यही है कि इसको अवेयरनेस होनी चाहिए, पेरेंट्स उसको अवेयर करें, बच्चों को जो है इंस्टीट्यूशन जो है जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं वो उनकी भी जो है ड्यूटी बनती है कि जो है उसको अवेयर कराएं बच्चों को, गुड टच और बैड टच के बारे में बताएं, उनको बताएं कि अगर कैसा कोई क्राइम हो रहा है तो फौरन रिपोर्ट करें, पेरेंट्स को रिपोर्ट करें या अपने रिलीजियस को रिपोर्ट करें या इंस्टीट्यूशन के हेड को रिपोर्ट करें, जिससे कि इस पे जो है क्राइम पे जो है लगाम लगाई जा सके। थैंक यू सर। पढ़ाई के शिक्षा जो है चाहे सामाजिक हो चाहे सोशल शिक्षा हो चाहे राजनीति शिक्षा हो, उसका अनुभव ज्ञान जो है फिर इंसानियत, और फिर चाहे कॉमर्स की हो, साइंस की हो, इंग्लिश की हो, हिंदी की हो, सामाजिक की हो, हमारे इतिहास के साथ जुड़ी होनी चाहिए। और जो इतिहास हमारे देश का जो ताकत बना करके हाथ है उसको लेकर के मैं 40-45 साल से स्कूल चला रहा हूँ, महाविद्यालय भी चला रहा हूँ, यूनिवर्सिटी का SC RT का, मुझे शिक्षा के साथ भी शौक है, राजनीतिक शौक भी है, सामाजिक शौक भी है, मेरी इसमें रुचि है। हालांकि आज की जो स्थिति है वो बेहद खराब है, उसमें कौन जिम्मेदार है मैं इस विद्यालय के प्रांगण में वो शब्द नहीं कहना चाहता हूँ, किसकी जिम्मेदारी है और कौन कौन दल इसमें शामिल है और किन दलों के वजह से देश की आजादी हासिल हुई है, किन दलों के अंदर देश की सामाजिक और राजनीतिक अनुभव की गुणवत्ता, क्षमता, योग्यता और भावना है, वो मैं यहाँ नहीं करना चाहता, बताना चाहता हूँ। पॉलिटिकल स्टेज पर इस पर चर्चा करूंगा, वहां समय नहीं है, देश की हालत बेहद खराब है, चाहे शिक्षा की है, चाहे राजनीति की है, चाहे प्रशासन की। अच्छा, मुख्य आकर्षण केंद्र रहा बच्चों में देश के सभी राज्यों के।